नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आगमऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी, अस्सलाम वालेकुम। शहर के ख्वाजा जहांपुर वाकई इब्तदाई स्कूल में गन्ना तरक्याती वज़ीर बराए मुमलिकत व मऊ ज़िला के इंचार्ज सुरेश पासी ने एनीमिया मुक्त हिंदुस्तान मुहिम और सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने बताया कि सघन मिशन इंद्रधनुष का ख़ास मकसद टीकाकारी है। इसमें बच्चों की टीकाकारी मोहलिक बीमारियों से बचाने के लिए की जाती है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस मुहिम का ये मकसद है कि हमारे बच्चे सेहतमंद रहें, और जब बच्चे सेहतमंद रहेंगे तभी हमारी रियासत, मुल्क और ज़ोन के साथ साथ हमारे ज़िले और शहर के साथ साथ गाँव की भी तरक्की होगी। उन्होंने एनीमिया बीमारी के बारे में बताते हुए कहा कि यह बीमारी खून की कमी की वजह से जन्म लेती है। जिस तरह हम एक शजर लगाकर उसकी मुसलसल निगरानी करते हैं, खाद पानी देते हैं और वो आगे चलकर वही शजर हमें फल और साया मैसर करता है, ठीक उसी तरह से हमारे जिस्म में खून का रहना भी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जब खून की कमी होती है तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए अपने जिस्म का ख्याल ज़रूर रखें और ग़िज़ाई इजनास का इस्तेमाल करते रहें। इसी दौरान वज़ीर मौसूफ ने मौजूद सभी अफसरान को हिदायत दी कि वो एनीमिया मुक्त टीकाकारी के तई लोगों को बेदार करें और लोगों को टीकाकारी के लिए इंस्पायर भी करें। उन्होंने बच्चों को डायरिया से बचने के लिए दवाएं भी पिलाईं और हामला ख्वातीन के लिए आयरन की दवाएं भी तकसीम कं। इसी सिलसिले के तहत वज़ीर मौसूफ ने बेसबॉल खेल मुकाबला का भी इफ्तिताह किया। मस्कूरा खेल मुकाबला का इफ्तिताह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम मऊ में शमा रोशन करके किया गया। इस दौरान वज़ीर मौसूफ ने बच्चों को मुसलसल आगे बढ़ने के लिए दुआया कलमात पेश करते हुए उनकी खूब हौसला अफजाई भी की। उन्होंने कहा कि खेल इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, जो हमें अच्छी तरह से सेहत के साथ साथ एक ख़ास किस्म की शनाख्त भी कायम करने में अहम रोल अदा करते हैं। जनपद का खेलकूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम है और आज यहाँ पर देखने को मिला कि अध्यापकों के द्वारा शिक्षा विभाग ने बहुत अच्छी बच्चों को तैयारी कराई और उनके द्वारा बहुत अच्छी प्रस्तुति हुई। मेरी यही शुभकामना है बच्चों के लिए वो खेल के क्षेत्र में आज जिले स्तर पर खेलें, कल के वो मंडल स्तर पर खेलें, फिर उसके बाद प्रदेश स्तर पर खेलें, फिर देश स्तर पर खेलें, उसके बाद उनको विश्व स्तर पर खेलने का सौभाग्य प्राप्त। सर, इस तरह के प्रतियोगिताओं का आयोजन हो जाना चाहिए? देखिए, ये प्रतियोगिता तो सरकार के माध्यम से प्रत्येक वर्ष कराई जाती है। पहले ये खंड विकास स्तर पर कराई जाती है, उसके बाद जो बच्चे अच्छा प्रतिभाग करते हैं उनको जिले स्तर पर खेलने का मौका मिलता है, फिर वो जो और अच्छा प्रतिभाग करते हैं उसके बाद फिर उन्हें मंडल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, फिर देश स्तर पर खेलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और निश्चित ही खेल से हमारे बच्चों का मानसिक शारीरिक विकास होता है और साथ साथ आपस में भाईचारा भी बढ़ता है। सर, खेलना जरूरी है? बहुत जरूरी है, शरीर के लिए तो खेलना बहुत जरूरी है। मैं तो ये भी आग्रह और निवेदन करता हूँ कि जो लोग ज़्यादा उम्र के हैं वो भी इस खेल के प्रतिभाग में भाग लें। गांव स्तर पर ऐसी टीम और कमेटी बनाकर, तो गांव में होता भी है, वॉलीबॉल का भी प्रतियोगिता होता है, क्रिकेट का भी प्रतियोगिता है, और सुबह सुबह लोग मानिक बाग के लिए निकलते हैं। ये उसी की कड़ी है कि जब हम
शरीर को जितना चलायमान करते हैं उतना ही शरीर हमारा स्वस्थ। निसंदेह स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। बच्चे जितना ही ज़्यादा क्रियाशील होंगे मस्तिष्क भी उतना ज़्यादा क्रियाशील होता है। खेल में भी डिसिप्लिन है, उनको अनुशासन सिखाती है, उसी तरह शिक्षा का भी एक डिसिप्लिन है, वो दोनों बच्चे दोनों महारत हासिल करते हैं और इस तरह से उनका सर्वांगीण विकास होता है। और मऊ में जो बच्चों की नई प्रतिभाएँ निकल के आ रही हैं, चाहे वो सामान्य ज्ञान स्तर पे हो, शिक्षा के स्तर पे हो या क्रीड़ा के स्तर पे, अद्वितीय है। मैं अपने गुरुवृंद की, अपने गुरुजनों की, शिक्षकों सभी की प्रशंसा करता हूँ, उन्होंने बड़े मनोयोग से बच्चों को तैयार किया। छोटे छोटे बच्चों का कार्यक्रम किया, कैसा लगा आपको? गुप्त वार्ता है, इसके माध्यम से हम बिना किसी को कुछ बताए यदि कोई गुप्त संदेश भेजना होता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको भेज देते हैं। ये सन 47 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ है तो इसी विधि से सेना में जो हमारे गुप्त संदेश भेजे जाते थे इन्हीं कोणों पर आधारित अक्षरों के माध्यम से हमारे संकेत भेजे जाते थे। वह विधि हमारे विद्यालय में आज भी जीवंत है और आपके समक्ष, माननीय मंत्री जी के समक्ष, हमारे बच्चों ने उसका प्रदर्शन किया है। क्या है ममोमा? ममोमा सर पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा हिंदी में एक संकेत विद्या का की खोज की गई है और उन्हीं के नाम पर इसका नाम ममोमा रखा गया है। सर इसके लिए संकेत वार्ता का प्रशिक्षण होता है और जो प्रशिक्षक या शिक्षक जो इसका प्रशिक्षण कर लेते हैं अपने बच्चों को या विधा से अवगत कराते हैं। वेडन पावेल स्काउटिंग के जन्मदाता थे, उनका पूरा नाम था रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ वेडन पावेल। उन्होंने 1907 में स्काउटिंग को शुरू किया था।